बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज का जो हमारा टॉपिक है ट्राइसाइक्लिसरॉल। सबसे पहले देखना है हमें ट्राइसाइक्लिसरॉल क्या होता है। ट्राइसाइक्लिसरॉल और एसिटाइलग्लिसरॉल विद फैटी एसिड, इसमें जब भी फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल के दरमियान फास्फेट एसिड बॉन्ड की लीकेज होगी तो एक ट्राइसाइक्लिसरॉल का मॉलिक्यूल बनेगा। और जितने भी फैट्स हैं, ये चाहे वो ऑयल है, वो प्लांट्स के अंदर हैं या एनिमल्स के अंदर हैं, वो सिर्फ ट्राइसाइक्लिसरॉल के फॉर्म के अंदर होते हैं। और इस ट्राइसाइक्लिसरॉल को हम ट्राइसाइक्लिसराइड्स भी कहते हैं। इनकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि ये डार्क कलर होते हैं और इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। और मोस्टली जो फैट्स होती हैं, जो न्यूट्रल फैट्स होती हैं, वो ट्राइसाइक्लिसरॉल ही होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ग्लाइसरॉल होता क्या है। ग्लाइसरॉल बेसिकली पोलियोल होता है। पोलियोल ऐसे अल्कोहल होते हैं जिसमें मल्टीपल हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होते हैं। यहाँ पे आपको कम्प्लीट स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जैसे कि ग्लाइसरॉल का केमिकल फार्मूला C3H8O3 है और इसमें तीन कार्बन होती हैं, हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगा होता है। इनकी प्रॉपर्टीज को देख लें तो ये कलरलेस होते हैं, आटरलेस होते हैं, विस्कस लिक्विड होते हैं, स्वीट टेस्ट होते हैं और नॉन टॉक्सिक होते हैं। एंटी माइक्रोबियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज होने की वजह से इसको हम जख्मों के ऊपर भी लगाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ट्राइसाइक्लिसरॉल, ये आपको एक कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाया गया है ट्राइसाइक्लिसरॉल का, जिसमें तीन कार्बन हैं और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। इसमें इसका रिएक्शन होता है तीन फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान। और इस रिएक्शन में जब ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड के दरमियान रिएक्शन होगा तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने की वजह से ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड के दरमियान जो लीकेज होगी वो इस ऑक्सीजन की वजह से स्टोरेज ऑफ ट्राइसाइक्लिसरॉल। इनकी जो मोस्टली स्टोरेज होती है वो एनिमल्स के अंदर और जो प्लांट्स हैं उनके अंदर फ्यूल के फॉर्म में होती है। प्राइमरी फैट होती है वो एडिपोज टिश्यू के अंदर होती है और ट्राइसाइक्लिसरॉल की स्टोरेज बेसिकली उन एडिपोज टिश्यू के अंदर ही होती है। और ट्राइसाइक्लिसरॉल और फास्फोलिपिड और स्फिंकोलिपिड्स के दरमियान जो डिफरेंस ये होता है कि जो हमारे फास्फोलिपिड्स हैं और जो स्फिंकोलिपिड्स हैं वो बेसिकली बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का पार्ट होते हैं, लेकिन जो ट्राइसाइक्लिसरॉल हैं ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं होते। और जो प्लांट्स के अंदर जो ट्राइसाइक्लिसरॉल होते हैं उसके अंदर मोस्टली जो कंटेंट होता है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का होता है एज कम्पेयर टू एनिमल्स। स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइलग्लिसरॉल, अब जो एसिटाइलग्लिसरॉल है बेसिकली वो मोनोएसिटाइलग्लिसरॉल, डाइएसिटाइलग्लिसरॉल और ट्राइसाइक्लिसरॉल की फॉर्म में पाया जाता है। मोनोमीन ऐसे ग्लाइसरॉल जिसमें एक एसाइल ग्रुप हो, डाइमीन ऐसे एसाइल ग्रुप जिसके अंदर दो एसाइल ग्रुप हो और ट्राइमीन ऐसे एसाइल ग्रुप जिसके अंदर तीन एसाइल ग्रुप हो। अब हमने ये देखना है कि सिंपल और मिक्स ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल क्या होते हैं। सिंपल ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल कंटेन्स सेम टाइप ऑफ फैटी एसिड रेसिड्यू एट ऑल थ्री कार्बन। इसमें ऐसे ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल में ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड के दरमियान जो रिएक्शन होता है तो उसमें एसाइल ग्लाइसरॉल की हर कार्बन के साथ जो फैटी एसिड लगा हो बेसिकली एक ही टाइप का हो, चाहे वो एक ही टाइप का हो। इसके हमारे पास एग्जांपल क्या है, ट्रिस्टेरिन है और मिक्स, ये आपके पास उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर किया गया जिसमें ग्लाइसरॉल है, उसमें तीन फैटी एसिड जो है बेसिकली स्टेरिक एसिड के हैं, तो हम ग्लाइसरॉल ट्राइस्टेरेट भी कहते हैं। मिक्स ग्लाइसरॉल, ऐसे ग्लाइसरॉल जो मोस्टली हमारी बॉडी के अंदर कॉमन होते हैं और इसमें जो फैटी एसिड होते हैं वो टू या थ्री टाइप्स के लगे होते हैं। अगर इसमें कार्बन फैटी एसिड की जो अटैचमेंट होती है ग्लाइसरॉल के साथ, अगर कार्बन वन के साथ सैचुरेटेड फैटी एसिड है तो टू के साथ अनसैचुरेटेड होगा और थ्री के साथ वो सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड होगा। और जैसे कि हमने पहली स्लाइड के अंदर इस चीज को पढ़ा हुआ है कि जो ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल होते हैं वो प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स में जितने भी ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल होते हैं उनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल्स। को मिक्स ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल का स्ट्रक्चर दिखाया गया जिसमें एसाइल ग्लाइसरॉल एक कार्बन के साथ सैचुरेटेड फैटी एसिड लगा हुआ है और दूसरी